नमस्कार दोस्तों, एमजेटी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साउथ अफ्रीका के बारे में। रिसेंटली दोस्तों, साउथ अफ्रीका के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों, जो दक्षिण अफ्रीका है उस पर वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो यहाँ पर रशिया और यूक्रेन वॉर के अंदर रशिया को फेवर ना करें, मतलब कि यहाँ पर वो यूक्रेन को फेवर करें और यहाँ पर रशिया से अपने सारे के सारे जो टाइज हैं उनको ख़त्म कर लें। लेकिन दोस्तों, अब साउथ अफ्रीका के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि हम रशिया के साथ में कोई भी रिलेशन ख़त्म नहीं करेंगे। जैसा कि हम इंडिया के केस में देखते हैं कि इंडिया पूरी तरह से न्यूट्रल है रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में। ना तो उन्होंने रशिया का सपोर्ट किया है और ना ही उन्होंने यूक्रेन की साइड ली है, ना ही वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में है। इसी तरह की पॉलिसी अब साउथ अफ्रीका के द्वारा फॉलो करी जा रही है। साउथ अफ्रीका का कहना यह है कि हम रशिया के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं तोड़ेंगे और हम उनके साथ में टाइज रखेंगे और हम किसी के भी साइड यहाँ पर नहीं लेंगे। ना तो हम रशिया की साइड लेंगे, ना ही हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह का स्टेटमेंट साउथ अफ्रीका के द्वारा दिया गया है। उनके द्वारा कहा गया कि वी आर द पार्ट ऑफ ब्रिक्स, हम ब्रिक्स का भाग हैं और इस दौरान हम रशिया के जो ऑयल है उसको खरीदेंगे, मतलब रशिया के साथ में टाइज रखेंगे, उनको ब्रेक नहीं करेंगे। यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं, न्यूज़ में आपको बताया जा रहा है, ट्रिब्यून की खबर है, आफ्टर इंडिया साउथ अफ्रीका रिजिस्ट वेस्टर्न प्रेशर टू कट टाइज विथ रशिया। यानी कि इंडिया के बाद अब साउथ अफ्रीका भी वेस्टर्न प्रेशर को ओवरकम करते हुए यहाँ पर वो रशिया के साथ में टाइज रखेगा, रशिया के साथ में कोई भी टाइज ब्रेक नहीं करेगा। तो इस न्यूज़ के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि रिसेंटली यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो इनमें से कौन सी कंट्रीज है वो ब्रिक्स का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, रशिया, साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों, यदि आप इसका सही आंसर जानते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और यदि आप इसका सही आंसर नहीं जानते हैं, इसका सही आंसर आपको पता चलेगा इस वीडियो के एंड में, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। इसके अलावा यदि इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लगातार प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे लगातार आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगी। और जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले उसको आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर जो पूरी पूरा मामला है वो हुआ क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हैं यहाँ पर US सेक्रेटरी जनरल एंटनी ब्लिंकन। तो जो एंटनी ब्लिंकन है ये पिछले कुछ समय से अफ्रीका के दौरे पर हैं। उन्होंने अफ्रीका के अंदर कई सारी कंट्रीज़ को विजिट किया है और अभी भी वो अफ्रीका के अंदर ही हैं, जिसमें कि वो साउथ अफ्रीका को विजिट करने गए और वहाँ पर उनके द्वारा साउथ अफ्रीका को बताया गया कि यहाँ पर जो रशिया है आप उसके साथ में जो टाइज आपने रखे हुए हैं, आप जो उसका जो ऑयल है उसको आप बाय करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है और आप हमारी साइड को यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया था। लेकिन दोस्तों, साउथ अफ्रीका से इनको करारा जवाब प्राप्त हुआ। साउथ अफ्रीका की जो यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस की जो हेड हैं नेलेडी पेंडोर, उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, हम बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी की भी साइड को ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। इनके एग्जैक्ट शब्द आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके द्वारा कहा गया कि जो US सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर क्यों आए हैं, उनको नैन्सी पेलोसी के साथ में ताइवान जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं और युद्ध कभी भी स्टार्ट हो सकता है। इनके द्वारा कहा गया कि हम ब्रिक्स का पार्ट हैं और हम रशियन ऑयल को यहाँ पर खरीदेंगे, क्योंकि रशिया भी ब्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है और हम भी ब्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। साउथ अफ्रीका वॉज नॉट द पार्ट ऑफ नॉनसेंस, साउथ अफ्रीका नॉनसेंस का पार्ट नहीं है, मतलब कि साउथ अफ्रीका बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इसके अलावा इस बातचीत के दौरान इन्होंने जो इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है उसका भी जिक्र किया। इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि जैसा कि अटैक रशिया ने यूक्रेन पर किया है तो आप यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसा ही अटैक यहाँ पर इसराइल पैलेस्टाइन के लोगों पर कर रही है, इनके द्वारा ऐसा कहा गया है, इनका ये ओपिनियन है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो लड़ाई है वो यहाँ पर गाजा स्ट्रिप को लेकर चलती रहती है, जिसके बारे में इनके द्वारा कहा गया है कि जैसा कि सपोर्ट आप यूक्रेन को कर रहे हैं, यूक्रेन के लोगों को कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही सपोर्ट आपको यहाँ पर पैलेस्टाइन के लोगों को भी करना चाहिए, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। वो दोनों ही सेम सिचुएशन में हैं और यहाँ पर जो पैलेस्टाइन के जो लोग हैं वो भी यूक्रेन के लोगों की तरह ही इसके अधिकारी हैं। और साथ में इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि साउथ अफ्रीका कई वर्षों से वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में रहा है, उन्होंने कई बार साउथ अफ्रीका के ऊपर कब्जा भी करके रखा था, कई बड़े लंबे समय से जो साउथ अफ्रीका है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ का गुलाम रहा है। तो इस तरह से उन्होंने कहा है, एक तरह से उन्होंने हिंट दी है कि हम रशिया का सपोर्ट करेंगे और हम आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में नहीं है, ऐसा साउथ अफ्रीका के द्वारा बताया जा रहा है। तो दोस्तों, पूरी की पूरी न्यूज़ यही थी, इसमें ज़्यादा कुछ जानने को था नहीं, और इतनी यहाँ पर इनके द्वारा जो बातचीत है वो चल रही है, जिसकी हाईलाइट मैंने आपको बताई। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें साउथ अफ्रीका के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है साउथ अफ्रीका का मैप। तो साउथ अफ्रीका हम सभी जानते हैं कि अफ्रीका के अंदर स्थित है और उसके सदर्न टिप पर स्थित है, जैसे कि उसको साउथ अफ्रीका हम कहते हैं। इसकी तीन कैपिटल हमको देखने को मिलती हैं, इसकी तीन अलग अलग कैपिटल हैं। एक है एग्जीक्यूटिव कैपिटल, जिसे हम कहते हैं
प्रिटोरिया। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो लेजिस्लेचर कैपिटल है उसको केप टाउन कहा जाता है, साथ में इसकी जो जुडिशियल कैपिटल है उसको हम कहते हैं उसका नाम है ब्लोमफंटेन। तो इस तरह से इसकी तीन अलग अलग कैपिटल हैं जहाँ पर अलग अलग इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलता है। इसके अलावा यहाँ पर जो करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम है रामाफोसा। साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें इंडिया की तरह ही पार्लियामेंट देखने को मिलती है जिसके टू हाउस हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके कुछ पड़ोसी देशों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नामीबिया है, साथ में यहाँ पर आप बोत्सवाना देख पाएंगे, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, इसके ये कुछ पड़ोसी देश हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके पास में हम देख सकते हैं ये लिसोथो है जो कि चारों ओर से साउथ अफ्रीका की बाउंड्री से घिरा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर हमें दो बड़े ओशियन भी देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हैं इंडियन ओशियन और एटलांटिक ओशियन। तो इसकी जो बाउंड्री है वो दो बड़े ओशियन से लगती है। साथ में दोस्तों इसकी जो करेंसी है उसका नाम है साउथ अफ्रीकन रैंड। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे कि तीनों की तीनों जो मेजर लाइन्स हैं वो पास होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि यहाँ पर हम कह सकते हैं नॉर्दर्न अफ्रीका से निकलती है, बीच में यहाँ पर इसके बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है इक्वेटर जो कि 0 डिग्री कहलाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये तीनों की तीनों जो लाइन्स हैं वो यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होकर निकलती हैं और यही कारण है कि यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है, जिससे कि जो ज़्यादातर हमने देखा होगा बेसिकली कि जो बीमारियाँ होती हैं, जो मेजर मेजर बीमारियाँ होती हैं वो यहीं से निकलती हैं। आपने देखा होगा मंकी पॉक्स, इसके अलावा दोस्तों हमने ओमिक्रॉन वेरियंट देखा था, कई सारी जो बीमारियाँ हैं वो इसी एरिया के अंदर से होकर निकलती हैं जो कि इक्वेटर और यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है दोनों के बीचों में जो एरिया आता है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ निकलती हुई हमें देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ बातें थी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में। इसके अलावा जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आपको देता हूं। तो यहां पर आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी कंट्री ब्रिक्स का पार्ट नहीं थी। तो दोस्तों यहां पर जो अर्जेंटीना है वो ब्रिक्स का पार्ट नहीं है। ब्रिक्स के बारे में आपको बता दूं तो यहां पर आप देख सकते हैं ब्रिक्स में 5 मेंबर कंट्री शामिल हैं। आप देख सकते हैं रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। तो ओरिजिनली जब ब्रिक्स को बनाया गया था तब ये चारों की चारों कंट्रीज शामिल थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था जिससे ये ब्रिक्स से हटकर यहाँ पर ब्रिक्स हो गया था। तो अभी हमें ब्रिक्स देखने को मिलता है, 5 कंट्रीज़ हैं जिनमें जो सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनकी जो इकोनॉमी है वो डेवलप कर रही है। तो इस तरह की कंट्रीज़ ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था। 2009 में इसकी फर्स्ट समिट हुई थी जो कि रशिया के अंदर हुई थी, और इसकी जो समिट होती हैं इसके बारे में आपको बताऊँ तो ये ब्रिक्स नाम का जो एक्रोनिम है इसी के ऑर्डर में काम करती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी करंटली मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि जो ब्रिक्स की समिट है वो चाइना में होने वाली है। तो दोस्तों यहां पर जो अगली समिट है वो यहां पर साउथ अफ्रीका में होगी, उसके बाद जो अगली समिट है वो ब्राज़ील में होगी। तो इस तरह से इसके नाम के आधार पर ही इसकी जो मेंबरशिप है, इसकी जो प्रेसिडेंटशिप है वो यहां पर रोटेट करती है। तो ये कुछ बातें थी ब्रिक्स के बारे में जो कि हम सभी ने जान ली हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये साउथ अफ्रीका का नेशनल फ्लैग है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसकी इमेज मैंने आपको लगा दी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी दोस्तों, उम्मीद है आप सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिल जाते हैं, साथ में आपको PDFs मिलते हैं और फ्री क्विजेज मिलती हैं जिससे कि आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि आपका लेवल कितना है और आपको कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसको आप डाउनलोड करने के लिए सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हैं MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप, और इसको डाउनलोड करने के पश्चात आपको मिलते हैं मॉक टेस्ट, वीडियोज़, क्विजेज एंड ई बुक्स।